नमस्कार, मैं हूं मित्र गैजेट्स फॉर यू के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कि हमें MI A2 क्यों नहीं लेना चाहिए और MI का ही अपकमिंग मॉडल जो कि है MI 8 SE जो कि इंडिया में लॉन्च होने वाला है MI 8 I के नाम से, उसका वेट करना चाहिए। तो अगर आप भी जाना चाहते हैं तो बने रहिएगा हमारे साथ इस वीडियो में। सबसे पहले बात करें MI A2 की जो कि इंडिया में लॉन्च होने वाला है 8th अगस्त को, और अगर हम बात करते हैं एक्सपेक्टेड प्राइस की तो इसका जो बेस वेरिएंट है जो कि इंडिया में आएगा वो होगा 4GB RAM 64GB स्टोरेज, जिसका प्राइस एक्सपेक्टेड है कि लगभग 18,000 रुपये के आसपास आपको मिल जाएगा। और अगर हम बात करते हैं MI 6X की जो कि चाइना में लॉन्च हुआ था, उसका प्राइस था जो बेस वेरिएंट था 4GB RAM 64GB स्टोरेज वो था 1599 चाइनीज युआन, मतलब लगभग 16,500 रुपये। और अगर हम बात करते हैं MI 8 SE की जो कि चाइना में लॉन्च हुआ है, उसका जो बेस वेरिएंट है 4GB RAM 64GB स्टोरेज, उसका प्राइस रखा गया था 1799 चाइनीज युआन, मतलब लगभग 18,500 रुपये, 18,800 रुपये के आसपास। तो कहने का मतलब ये है कि जो चाइना की प्राइस है MI 6X की और MI 8 SE की, उसमें आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है, सिर्फ 2300-2400 रुपये का डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। तो यही प्राइसिंग का डिफरेंस आपको इंडिया में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि MI 8 SE जो है इंडिया में आएगा MI 8 I के नाम से जो कि कन्फर्म हो चुका है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं MI A2 की प्राइस की तो वो लगभग आएगा 18,000 रुपये का, और अगर हम बात करते हैं MI 8 SE की जो कि आएगा MI 8 I के नाम से, उसका प्राइस आएगा लगभग 20,500 या फिर 21,000 रुपये मान सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि सिर्फ 3,000 रुपये का डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा MI A2 और MI 8 I में। तो अब 3,000 रुपये ज़्यादा देकर आपको क्या क्या चीज़ें एक्स्ट्रा मिल रही हैं, क्यों हमको वेट करना चाहिए MI 8 SE का, क्यों हमें परचेस नहीं करना चाहिए MI 8 2, आज हम बात करने वाले हैं इसी बारे में। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं डिज़ाइन की। तो जैसा कि आप जानते हैं कि MI A2 का डिज़ाइन वैसा ही है जैसा कि हम Xiaomi के पहले वाले फ़ोन में देख चुके हैं, चाहे वो फिर Redmi Note 5 Pro हो, चाहे फिर आपको Redmi Y2 देखने को मिले, और चाहे फिर आपको Redmi का 6 Pro देखने को मिले। तो मतलब डिज़ाइन में कुछ खास डिफरेंस हमको देखने को नहीं मिला है, हालांकि नो डाउट अच्छा डिज़ाइन है लेकिन कुछ नया देखने को नहीं मिला है। जबकि अगर हम बात करते हैं MI 8 SE के डिज़ाइन की तो नो डाउट काफ़ी प्रीमियम फिनिश वाला यहाँ पे आपको फ़ोन देखने को मिलेगा, क्योंकि अगर हम बात करते हैं बैक की तो यहाँ आपको मिल रहा है ग्लास फिनिश और फ्रंट साइड भी आपको नॉज डिस्प्ले देखने को मिलेगा। तो नो डाउट अगर आप इन दोनों ही फ़ोन को कंपैरिजन करेंगे डिज़ाइन में तो ऑब्वियसली विनर होगा MI 8 SE, क्योंकि काफ़ी प्रीमियम फिनिश के साथ में आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। चलिए अब बात करते हैं डिस्प्ले की। तो यहाँ पे भी आपको मेजर डिफरेंस देखने को मिलेगा, क्योंकि MI 8 2 में यूज़ हुआ है एक IPS डिस्प्ले जो कि हम काफ़ी सारे फ़ोन में ऑलरेडी देख चुके हैं। नो डाउट अच्छा डिस्प्ले है, फुल HD प्लस का रेजोल्यूशन आपको देखने को मिल जाता है, आता है 18:9 स्क्रीन रेशियो के साथ में, और स्क्रीन साइज़ की बात करें तो 6 inches का स्क्रीन साइज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। लेकिन अगर हम वहीं बात करते हैं MI 8 SE की तो वहाँ पे आपको मिलता है एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले। दूसरी बात, यहाँ पे आपको एक नॉच वाला डिस्प्ले देखने को मिल रहा है जो कि बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, ऑलमोस्ट सारे ही ब्रांड आपको एक नॉच वाला डिस्प्ले देते हैं। और अगर हम बात करते हैं स्क्रीन साइज़ की तो वो है 5.88 inches। तो यहाँ पे डिज़ाइन में भी हमें डिफरेंस देखने को मिल रहा है, यहाँ पे हमको डिस्प्ले में भी डिफरेंस देखने को मिल रहा है, और डिस्प्ले में डिफरेंस बहुत मेजर डिफरेंस है क्योंकि सारी चीज़ें डिस्प्ले के साथ ही जुड़ी होते हैं। कहने का मतलब अगर डिस्प्ले अच्छा होगा तो नो डाउट आपके व्यूइंग एक्सपीरियंस, आपका फ़ोन को यूज़ करने का एक्सपीरियंस कुछ अलग हो जाता है। तो यहाँ पे बहुत बड़ा डिफरेंस है। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पे भी डिफरेंस है क्योंकि MI A2 में यूज़ हुआ है स्नैपड्रैगन का 660 चिपसेट, नो डाउट बहुत अच्छा चिपसेट है और इस प्राइस रेंज में कोई भी ब्रांड आपको नहीं देता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं MI 8 SE की तो वहाँ पे आपको मिलेगा स्नैपड्रैगन का 710 चिपसेट जो कि लेटेस्ट लॉन्च है स्नैपड्रैगन की तरफ से, जो कि काम करता है 12 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पे। तो जहाँ पे 660 में आपको परफॉर्मेंस मिलेगा उससे कहीं फार बेटर आपको स्नैपड्रैगन के 710 चिपसेट में देखने को मिलेगा। तो नो डाउट डिज़ाइन, डिस्प्ले, परफॉर्मेंस, ये तीनों ही चीज़ें आपको MI 8 SE में बेटर देखने को मिल रही है। अब बात करते हैं कैमरास की, तो आपको बता दें दोनों ही फोन्स में आपको मिलता है ड्यूल रियर कैमरा सेटअप। MI 8 2 में आपको देखने को मिलता है 12+20MP का कैमरा, और अगर हम बात करते हैं MI 8 SE की तो वहाँ आपको मिलेगा 12+5MP का कैमरा। अब यहाँ पे आप बोलेंगे कि काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस हो गया कैमरे में, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि दोनों ही फ़ोन्स का जो प्राइमरी सेंसर है वो 12MP का ही है। जो सेकेंडरी सेंसर है जो कि काम करता है डेप्थ सेंस के लिए या फिर लो लाइट कंडीशंस के लिए, उन सेंसर में आपको थोड़ा बहुत डिफरेंस देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे पिक्चर क्वालिटी की तो बहुत ज़्यादा आपको डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा दोनों ही फ़ोन्स में, क्योंकि दोनों ही फ़ोन्स का प्राइमरी सेंसर सेम है। हाँ, अगर हम बात करते हैं लो लाइट कंडीशंस की तो नो डाउट आपको MI 8 2 में थोड़ी सी बेटर इमेजेस देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि वहाँ पे यूज़ किया गया है f1.75 का अपर्चर, जबकि MI 8 SE में आपको देखने को मिलता है f1.9 का अपर्चर। और अगर हम बात करते हैं फ्रंट कैमरा की, दोनों ही फ़ोन के फ्रंट कैमरा सेम है जो कि आते हैं 20 मेगा
पिक्सल के फ्रंट कैमरे के साथ में, जहाँ पे यूज़ होता है f2.0 का अपर्चर। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत अगर हम बैटरी की बात करते हैं तो वो आपको देखने को मिलेगा MI A2 में, लेकिन वो बहुत ज़्यादा नहीं होगा, मीन्स 19-20 का ही आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं बैटरी की। तो बैटरी आप जैसे ही जानते हैं कि MI A2 में आपको मिलता है 3020 mAh का बैटरी, जबकि MI 8 SE में आपको देखने को मिलता है 3120 mAh का बैटरी। हालांकि बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है साइज़ में, सिर्फ 100 mAh का ही डिफरेंस है, लेकिन आपको बता दें कि सैमसंग के सुपर एमोलेड डिस्प्ले के साथ में बैटरी कंजप्शन काफ़ी कम होता है। ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं सैमसंग के फ़ोन्स में। आप कार्ड में दिए गए लिंक पर क्लिक करके बैटरी रेंज कंपैरिजन देख सकते हैं, जो कि हमने किया है सैमसंग के सुपर एमोलेड डिस्प्ले और IPS डिस्प्ले के बीच में, मीन सैमसंग और MI के बीच में। तो वो आप ज़रूर देखिएगा, वहाँ पर नो डाउट सैमसंग का सुपर एमोलेड डिस्प्ले कम बैटरी कंज्यूम करता है, तो यहाँ पर आपको बैटरी बैकअप ज़्यादा देखने को मिलेगा MI 8 SE में। और अब लास्ट बात करते हैं UI की। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं कि MI A2 में आपको मिलता है एक स्टॉक एंड्रॉइड, मीन्स वहाँ पे आपको कोई भी ब्लॉटवेयर देखने को नहीं मिलता है, जबकि अगर हम बात करते हैं MI 8 SE की तो उसमें आपको मिलता है MI UI। अब कुछ लोगों को पसंद है स्टॉक एंड्रॉइड, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी लाइट UI आपको मिल जाता है, कोई भी ब्लॉटवेयर नहीं मिलता है, लेकिन उससे भी ज़्यादा लोगों को पसंद है कस्टमाइज UI, क्योंकि वहाँ पे आपको काफ़ी सारी एप्लीकेशन का सपोर्ट देखने को मिलता है। जैसे एग्जांपल के लिए कोई भी एप्लीकेशन, जैसे कि ऐप लॉक हो गया, या फिर हो गया सेकंड स्पीड, या फिर ऐसे कुछ कस्टमाइज फीचर जो कि MI की तरफ से आपको मिलते हैं, वो आपको स्ट्रॉन्ग एंड्रॉइड में देखने को नहीं मिलेंगे। और ये सारी चीज़ें आपको एक्स्ट्रा देखने को मिल रही हैं सिर्फ 2.5 से 3 हज़ार रुपये की प्राइस में। और यह फ़ोन कन्फर्म हो चुका है कि MI 8 SE इंडिया में MI 8i के नाम से आएगा, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 महीने का वेट करना है। जैसा कि आप जानते ही होंगे कि MI A2 8th of August को लॉन्च हो रहा है, तो आप ये मान सकते हैं कि MI 8i मीन्स MI 8 SE इंडिया में लॉन्च हो सकता है सितंबर अक्टूबर मान सकते हैं मैक्सिमम, मीन्स दिवाली से पहले ही आपको ये फ़ोन देखने को मिल जाएगा। तो मेरे हिसाब से अगर आप MI A2 लेने का प्लान कर रहे हैं तो इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखकर उस फ़ोन का डिसीजन लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि सिर्फ 2-3 हज़ार रुपये के चक्कर में आप बहुत सारी चीज़ें मिस कर पाएँ। तो यही था आज के वीडियो में, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा और उम्मीद है आप मेरी बात से एग्री करते होंगे। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप चाहते हैं ऐसे ही और वीडियोस देखना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपके पास है और कोई सवाल हो सुझाव तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले ऐसे ही किसी वीडियो में, तब तक के लिए आपके दिन शुभ रहें।